सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड स्थित ट्रांसपोर्टर भूपेंद्र सिंह के मकान में करोड़ों के जेवर ले उड़े चोर। जानकारी के अनुसार गृह स्वामी भूपेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ बच्चे का जन्मदिन की पार्टी कर देर रात सोने चले गए। काफी थके होने के बाद सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सारे लोगों के जाने के बाद सुनसान अवस्था में अज्ञात चोरों ने खिड़की का ग्रिल खोलकर उसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए और अलमीरा में रखे लगभग 1.5 करोड़ रुपए के जेवर और लगभग 3.25 लाख रुपए नगद राशि की चोरी कर डाली। गृह स्वामी ने बताया कि सुबह जब मेरी माँ ने कमरा खोला तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमीरा भी खुला पड़ा था। अलमीरा में चेक करने के बाद पता चला कि उसमें रखा जेवर और नकदी गायब है। वहीं दूसरे मकान में भी इसी तरह से चोरी की गई। इस मकान के गृह स्वामी राजीव गुप्ता ने कहा कि वे लोग ससुराल गए थे, साले की मृत्यु हो गई थी। सुबह मुझे मेरे भाई ने सूचना दिया कि मेरे कमरे में चोरी हो गई है। मेरे भाई ने ही पुलिस को सूचना दी। मेरे यहाँ से चोरों ने लगभग 3 लाख के जेवर व लगभग 10,000 रुपए नगद राशि पर हाथ साफ कर लिया। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है। मौके पर पुलिस कप्तान डॉक्टर एहतेसाम बकारिब ने घटना स्थल का मुआयना किया एवं बहुत ही जल्द इस मामले का उद्भेदन करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह किसी प्रोफेशनल गिरोह का हाथ हो सकता है, साथ ही पिन पॉइंट लोकेशन है, इसलिए किसी स्थानीय लोगों का भी हाथ होने की संभावना है। वैसे मामले का उद्भेदन करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। समाचार लिखे जाने तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। भूपेंद्र सिंह कैसे, क्या हुआ था सर? कल मतलब रात 12 बजे तक हम लोग जाग ही रहे थे। बच्चा का पार्टी का मतलब क्या नाम है, सुबह 5 बजे ख़त्म हो गया, मतलब शाम में 5 बजे। उसके बाद सब अपना अपना रूम में चले गए। रात को 8:30-9 बजे तक हम आए काम से। उसके बाद क्या नाम है, 12 के बजे तक मतलब हम लोग घर पे थे, मतलब जाग रहे थे। बाकी फैमिली वाला सब अपना अपना रूम में चला गया। उसका सुबह उठे मम्मी मॉर्निंग में उठी 5:30 बजे उठी तो गेट खुली, तो गेट को गेट खुल नहीं रहा था, बाहर से ताला लगा हुआ था। क्योंकि गेट खुले जब धक्का दी तो क्या नाम है, देखी पूरा सामान बिखरा पड़ा है। पीछे वाला क्या नाम है, खिड़की खुला हुआ है, ठीक है, उससे सारा सामान जितना सोना हम लोग। आप लोग कब पता चला? हमको 5:30 बजे पता चला, 6 बजे मम्मी जब मेरी उठी हमको उठाई। बाकी लोग कहाँ सो रहे थे, कमरे में कोई नहीं थे आप लोग? नहीं, उस कमरे में कोई नहीं थे। उसके बगल वाला में मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, उसके बगल वाले रूम में हम थे। डकैती हुआ है, कितना क्या गया? पत्नी का लमसम 6-7 भर सोना था। कुछ नकदी भी है? हाँ, कुछ नकदी भी है। अभी इसे ज़्यादा नहीं था, 5-10 हज़ार रुपये था अंदर में। आप लोग कहाँ थे? हम लोग अपने साला के घर गए थे, उनका डेथ हो गया था तो उन्हीं के यहाँ घर में कुछ काम था, तो इसी वजह से गए थे हम लोग। पुलिस को सूचना किए थे? सूचना हमको सुबह में गया ना, करीब 10 बजे सूचना। फिर पुलिस को सूचना किए? इसको पुलिस को हाँ, जाकर वहाँ पर FIR लिखाया गया, तो भाई लिखाया FIR। सर घटना को देखते हुए क्या लग रहा है, हुकुम देखते क्या लग रहा है? घटना जो चोरी हुई है, दो घर, दोनों घर आसपास है, दोनों घर से सेम मॉडल ऑफ इंडिया है, जिसमें खिड़की का पेचकस से खोल के अंदर घुसा गया और जो गहने जेवर थे उनको चुरा लिया गया। उसमें लगता है कोई गिरोह शामिल है, प्रोफेशनली वे में काम किया है, लेकिन हम लोग उस पर छापेमारी करेंगे और पकड़ेंगे। क्या स्थानीय भी किसी चोर का इसमें हाथ हो सकता है या फिर बाहरी लोग? पिन पॉइंट लोकेशन है तो इन्फॉर्मर होगा, लेकिन हम लोग इसमें जो गिरोह का काम है वो प्रोफेशनल गिरोह है, उसमें ज़रूर बाहर का गिरोह शामिल है। और मेरा अंदाज़ा है कि अभी 100% नहीं कर सकते, हमें छापामारी के अनुसार जो निकलेगा बताएंगे। सर मामले कब तक उम्मीद किया जा सकता है सर मामले का उद्भेदन का? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके कर लेंगे।